जय हिंद फ्रेंड। ये पासा का सेकेंड पार्ट है और पहले पार्ट में हमने ये बताया था कि पासा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकेंड होता है ऑर्डिनरी डाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे यदि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि ऐसे डाइस जिसमें दोनों निकटवर्ती अंक समान न हो, मीन्स 7 के बराबर न हो। जैसे 5 + 1 = 6 हो जाता है। यदि यहाँ आप देखेंगे कि 4 + 3 = 7 हो जाता है, तो दो निकटवर्ती अंक जब 7 के बराबर होते हैं, 7 के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे पासा को हम ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है क्योंकि इसमें निकटवर्ती अंक 7 के बराबर नहीं है दोनों को जोड़ने के बाद। तो अब जब 7 के बराबर नहीं है तो मैंने बताया था कि पासा में 3 अंक एक साथ दिखाए जाते हैं और 3 हाइड होते हैं। तो यहाँ पे 5, 1 एंड 3 है। अब इसके विपरीत जो अंक बचेंगे वो इसके विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, 7 हो जाएगा। 5 1 में हम 6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। एंड 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। मीन्स 5 के का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा एंड 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब वहीं पे हम ऑर्डिनरी डाइस में देखेंगे कि ऑर्डिनरी डाइस में मैंने ये बताया था कि 4 + 3 = 7 हो जाता है, तो ये एक ऑर्डिनरी डाइस होती है और इसमें 4, 3 एंड 5, 4, 3, 5 तीनों को हम यहाँ लिख लेते हैं और देखते हैं कि इनके विपरीत कौन कौन होंगे। तो 3 अंक तो हमको दिखाई दे रहे हैं, 4, 5, 3, और हाइड इनके 3 अंक और होंगे जिसमें से 1 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। मीन्स कि 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। एंड इसमें भी वही नियम लगेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 6 हो सकता है 3 के विपरीत। 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो ये सिंगल डाइस में हमने ये नियम देखा था। ये दो रूल्स थे जिन रूलों के मदद से हम आराम से किसी भी डाइस को हल कर लेते थे। लेकिन आज के इस अध्याय में हम सिंगल डाइस नहीं, हम डबल डाइस एंड ट्रिपल डाइस पढ़ेंगे। मीन्स टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू डाइस पढ़ेंगे हम। टू आर मोर देन टू डाइस। चलिए सबसे पहले इस डाइस में सबसे पहले ध्यान देंगे हम, केवल 5 रूल होंगे, 5 रूल इसमें होंगे और इन 5ों रूलों के मदद से हम डाइस मीन्स इसको हम हल कर सकेंगे। जैसे फर्स्ट रूल होगा टू आर मोर देन टू डाइस में, फर्स्ट रूल होगा कि एक सतह पे एक सतह पर 4 निकटवर्ती सतह और एक विपरीत सतह सतह और एक विपरीत सतह होता है। मीन्स कि जो 6 सतह होते हैं किसी भी पासा में, तो उसमें 4 निकटवर्ती सतह होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। ओके, तो इसमें देखेंगे हम कि जैसे मान लेते हैं ये एक पासा है,
तीन पासा को हम लेते हैं, और इस तीन पासे में मान लेते हैं यहाँ हो जाता है टू, ये हो जाता है वन, और ये हो जाता है थ्री। यहाँ पे थ्री वन एंड फाइव, यहाँ पे टू फाइव सॉरी टू फोर एंड थ्री हम लिख देते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि थ्री के विपरीत क्या होगा, थ्री के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे थ्री डाइस है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रूल में हमने लिखा है यही है कि एक सतह पे चार निकटवर्ती सतह और विपरीत सतह होते हैं, बाकी जो है उसके विपरीत सतह होते हैं, सॉरी और एक विपरीत सतह होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कौन कौन अंक हमें मिल गए हैं, तो हम यहाँ ढूंढेंगे कि तीन, यहाँ क्वेश्चन ये था कि थ्री का विपरीत कौन होगा, तो हम देख पाते हैं कि थ्री के लिए यहाँ पे वन है, टू है, थ्री तो पहले से है ही, इधर हमने फाइव को ढूंढ लिया एंड फिर फोर को ढूंढ लिया, मीन्स वन टू थ्री, थ्री तो मान लीजिए है ही पहले से, फोर एंड फाइव को हमने ढूंढ लिया है। तो अब छह सतह होते हैं इसमें, छह सतह होते हैं, वन टू फोर फाइव और थ्री पहले से है, अंतिम सतह कौन बचा होगा ये आप जान सकते हैं, सिक्स बचा है, मीन्स अंतिम सतह मतलब हमारे पास सिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि जो सिक्स है उसको हम सही लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वन भी हमारे पास है, टू भी है, थ्री का पूछ रहा है, तो वन टू फाइव मिल गया, फोर मिल गया, तो वन टू फोर एंड फाइव हमने पहले से इसमें देख लिया है। अब लास्ट सतह बचा हुआ है सिक्स, ठीक है, तो सिक्स थ्री के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि एक पासा के केवल छह सतह होते हैं, जिसको हमने पांच सतह को हमने खोजा है, लास्ट सतह बचेगा सिक्स, तो थ्री के विपरीत सिक्स होगा, ये रूल नंबर वन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर टू, रूल नंबर टू। अब रूल नंबर टू में यहां हम देखेंगे कि यदि किसी दो डाइस के, दो डाइस फिगर के दो अंक कॉमन है, दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक सॉरी तीसरे के विपरीत होगा, मतलब कि अब देखेंगे यहाँ पे दो हम डाइस ले लेते हैं, अब इसमें क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि चार के विपरीत कौन होगी, और संख्या हो सकती है टू फोर सिक्स फाइव टू सिक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पूछा है कि चार के विपरीत क्या होगा, यदि किसी दो डाइस फिगर के दो अंक कॉमन रहे, दो डाइस फिगर के दो अंक कॉमन, मतलब यहाँ देखेंगे कि यहाँ सिक्स एंड टू कॉमन दिख रहा है मुझे, और फोर के विपरीत पूछ रहा है, तो सिक्स एंड टू कॉमन अगर है तो बाकी जो फिगर है तीसरा, वो तीसरे के विपरीत हो जाएगा, मीन्स चार के विपरीत फाइव हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है पांच।
एक बार फिर से देखेंगे इस लॉ को, इस रूल को देखेंगे। यदि किसी दो डाइस फिगर के दो अंक कॉमन रहे, दो अंक कॉमन, जैसे यहाँ पे 2 एंड 6 कॉमन है, यहाँ पे 2 एंड 6 इसमें भी कॉमन है, तो बचा क्या है, 4 है, तो 4 के विपरीत सीधे 5 हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 था, और इस रूल के मदद से हम बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं तीसरे को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, रूल नंबर 3, R3। रूल नंबर 3 में किसी दो डाइस फिगर में, किसी दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पे हैं, यदि दोस्त इन सभी फिगर को, सॉरी इन सभी रूल को, 5 रूल हैं, और इन सभी रूल को हम याद कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम हल कर सकेंगे 2 आर मोर देन 2 फिगर को। रहे तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। अब देखेंगे कि रूल नंबर 3 में, अब यहाँ पे हम दो डाइस बना लेते हैं, बहुत ही आसान। यदि आप कहीं पढ़े होंगे डाइस तो अच्छी बात है, बट यहाँ फिगर को देख करके ही आप क्या कर सकेंगे कि निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है, 1 लिख दिया है, 3 लिख दिया है, यहाँ 4 हो जाता है, मान लेते हैं 1 हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अब यहाँ क्या है कि मैंने बोला है कि किसी दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर है, समान सतह पर, सतह दो बार लिख दिया गया है, मीन समान सतह पर अगर रहता है, एक सतह पे, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 एक सतह है और ये 1 उसी सतह पे ये भी है, तो 1 क्या है कि कॉमन है और ये दोनों समान सतह पे है, तो ये बोल रहा है, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब कि 5 4 के विपरीत होगा और 3 2 के विपरीत होगा। ये रूल नंबर 3 था, बहुत जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमन अंक समान सतह पे अगर होते हैं तो क्या होता है कि बाकी जो बचे और होते हैं डबल, वो उसके विपरीत होते हैं। जैसे कि 5 4 के सतह पे है और 3 2 के सतह पे, मतलब ये दोनों विपरीत होंगे। यदि क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि अंक अंक 5 का विपरीत क्या होगा, तो आराम से आप लगा सकते हैं कि 5 का विपरीत 4 होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस रूल को आराम से अगर आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी पूर्वक हम किसी भी पासा को कर सकते हैं। चलते हैं रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 4 पे हम चलते हैं, और रूल नंबर 4 है कि कॉमन नंबर अलग अलग सतह पर रहे, तो अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके कॉमन
कॉमन अंक से शुरू करके ठीक करके क्लॉकवाइज लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या तमाशा है। जैसे रूल नंबर 4 है और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 3 है, 5 है एंड 4 है। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें हमको 5 के विपरीत खोजना है, हमको 5 के विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत कौन होगा हमको ये पता करना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है और 5 का विपरीत कौन होगा। यहाँ पे हमने एक नियम ला दिया है आपको, एक आपका रूल है कि कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, कॉलम कॉमन अलग अंक जो है अलग अलग सतह पर रहे, तो कॉमन अंक से शुरू करके हम क्लॉकवाइज लिख देते हैं। मतलब कि ये जो ये अलग अलग सतह पे है ना, यहाँ 1 के जगह पे 3 है और 5 का हमको विपरीत पूछ रहा है, तो काल यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग सतह पे है, ये 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, लेकिन कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज, क्लॉक जैसे घड़ी चलती है इस वाइज क्लॉक वाइज जो है हम इसको ऐसे घुमा करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे 3, फिर लिख देंगे 2 एंड 1, उसी तरीके से अब इसको 3 से क्लॉक वाइज घुमाते हैं इधर, फिर यहाँ लिख देते हैं 3, 5 एंड 4। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 आ जाता है यहाँ पे, और एंड 1 के विपरीत 4 आ जाता है, और अगर 3 के विपरीत देखेंगे तो 3 के विपरीत बचा क्या है, 6 बचा है, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 4 था। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट रूल है और काफी इम्पोर्टेंट रूल है ये। देखेंगे रूल नंबर 5, जब दो डाइस फिगर में कोई कॉमन न रहे, बहुत ही आसान है, कोई अंक कॉमन न रहे, कोई भी अंक कॉमन न रहे तो सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए ये कमाल की बात यह है कि यहाँ पे दो डाइस हैं और यहाँ पे हमने क्या किया कि लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये तो और ही आसान कर दिया हमारे हल को, आंसर को। जब ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ऐसे डाइस जो डाइस फिगर में कोई भी कॉमन अंक न रहे, दोनों में अगर कोई कॉमन अंक नहीं है तो सब एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1, 3, 2, मतलब कि सीधे आप कर दीजिए इसको, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 एंड 2 के विपरीत 6। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन 5 रूल को हमें याद करना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार और बहुत आसानी पूर्वक हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 रूल में आप देखेंगे मैंने क्या क्या रूल बताया था, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको। मैंने फर्स्ट रूल में दिख बताया था आपको निकटवर्ती, अगर निकटवर्ती वाले नियम पर जाएंगे, फर्स्ट था वो। सेकंड था दो कॉमन जब एक साथ आते हैं,
दो कॉमन। एंड थर्ड रूल था समान सतह, समान सतह। फोर्थ था क्लॉकवाइज, उसके बाद कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो बाकी सारे आपस में उनके विपरीत होते हैं। ये फाइव रूल हम लोगों ने देखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम समय को ध्यान देते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, जैसे ये एक डाइस है, सॉरी यहाँ पे हमने डाइस बना लिया। यहाँ पे हमने लिखा है 2, 4, 5, 3, 4, 2, 4, 1 एंड 5। अब यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये कि चार चार के विपरीत फलक कौन होगा, मीन्स 4 के विपरीत फलक पे कौन अंक होगा, कौन अंक होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे नियम दिखाए थे आपको, फाइव रूल हमने बताया था। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट रूल यहाँ पे वर्क करेगी, और यहाँ देखेंगे कि हमें 2 मिल गया है, 5 मिल गया है, 3 मिल गया है, 2 मिल गया है, 5 मिल गया है, 3 मिल गया है, 4 मिल गया है, सॉरी 4 के विपरीत ही पूछ रहा है, तो 1 मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 के विपरीत अगर पूछ रहा है तो हमें 1, 2, 5, 3 मिल चुका है, और 4 के विपरीत पूछ रहा है, बचा कौन है, 6 बचा हुआ है। तो इसका विपरीत, इसमें से 4 का विपरीत कौन सा होगा, 6 हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम देख सकेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंक 6 के विपरीत कौन होगा, और डाइस हो जाती है इस प्रकार से। यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 6, 4। तो फ्रेंड्स यहाँ हम यहाँ भी देखेंगे कि इसमें कौन सा ला लगेगा। इसमें भी रूल नंबर 1 ही लगेगा, क्योंकि ये विपरीत सॉरी समान सतह जो है पे नहीं है, कामन अंक जो है समान सतह पे नहीं है। और मैंने बताया था कि समान सतह पे जब कामन अंक ना हो तो हम बचा हुआ उसको मिला लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि देखा कि 1 एंड 2, 1, 2, 3 एंड 4, हमने हमें 4 अंक मिल चुके हैं, 6 का विपरीत खोजना है। तो एक एक डाइस में मैंने बताया था कि 6 सतह होते हैं, एक डाइस में 6 सतह होते हैं। तो ये दोनों डाइस एक ही है, अलग अलग तरीके से घुमाया गया है। तो यहाँ पे समान सतह पे 6 नहीं है, 2 जो है कॉमन मिल चुके हैं, तो हम लॉ नंबर 1 को लगाते हैं। और उसमें देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 हमने खोज रखा है पहले से, 6 का निकालना है, तो लास्ट बचा कौन, 5। 5 जो है इसका विपरीत होगा, बचा हुआ जो अंक होता है वो उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 था, थर्ड था कि फोर्थ था, जो भी हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 के विपरीत
फलक पर कौन सी संख्या होगी? संख्या होगी तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स कि दो डाइस मान लेते हैं, डाइस भी बहुत पेन से बना पाना आसान नहीं है, थोड़ा सा बुक तो है नहीं, सॉरी कॉपी, कि आराम से हम बना पाए। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि थ्री डाइस आ जाते हैं यहाँ पे, और इन तीनों डाइसों को ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 2, 4, 1, 3, 2। अब यहाँ पे एक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है, एक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो उस इस परिस्थिति में हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन है। देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉमन हो जाता है, ये कॉमन है 3, 2 एंड 3, 2, यहाँ पे कॉमन कॉलम है, सॉरी कॉमन है। तो मैंने बताया था कि अब इससे कोई मतलब नहीं है, दो विपरीत, दो मिल चुके हैं कॉमन और अलग अलग उस पे हैं, तो तीसरा जो बचेगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो बचेगा उसके विपरीत हो जाएगा। ये रूल नंबर सेकंड था, रूल नंबर सेकंड था कि जब दो डाइस फिगर में या तीन डाइस फिगर में, चार डाइस फिगर में दो अंक कॉमन हो जाते हैं और वो विपरीत, दो अंक कॉमन हो जाते हैं, तो तीसरा जो भी बचता है वो तीसरे के विपरीत हो जाता है, ये रूल नंबर सेकंड था। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम थोड़ा सा अधिक लगेगा लेकिन आप दहेज रख करके देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कुछ डाइस को ड्रा कर लेते हैं, थ्री डाइस फिगर हम चलते हैं दोस्तों, थ्री डाइस फिगर बना लेते हैं। इसमें हमने 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 6, 3 लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन है कि दो के विपरीत क्या होगा, सॉरी दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, दो के विपरीत हमको संख्या निकालना है, तो यहां हम देखेंगे कि अंक हाँ यहाँ पे देखेंगे कि चार जो है, चार सॉरी चार एक ही सतह पे है, ये चारों तीनों जगह जो है चार एक ही सतह पे है। तो मैंने रूल नंबर 1 में बताया था कि जब एक ही सतह पे हो तो बाकी जो अंक होते हैं उनमें हमें, जैसे मान लेते हैं हमने 1, 2, मुझे कौन कौन मिल चुका है, 1 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, 3 मिल चुका है एंड 6 मिल चुका है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। 6 मिल गया है और 4 भी है, 4 तो मान लीजिए पहले से ही है, तीनों सतह पे ही है, तो यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें एक सतह, एक डाइस में 6 सतह होते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 4 मिल चुका है, बचा कौन सा है, 5 बचा हुआ है। तो 5 के विपरीत, सॉरी तो क्वेश्चन है कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाता है फ्रेंड्स। ओके 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दो डाइस फिगर बनाते हैं हम, और इस डाइस फिगर में हमने लिख दिया है 4, 1 एंड 2, यहाँ पे 2, 1 एंड 3,
एक और डैश बना लेते हैं, और यहाँ पे 3, 1 एंड 5। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत फलक पे कौन संख्या होगी। तो थ्री के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत फलक पे हमें संख्या पता करनी है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1 एंड 2 कॉमन है, 1 एंड 2 यहाँ पे कॉलम दिख रहा है। नजर को हम तेज रखेंगे, देख पा रहे हैं कि 1, 2 जब कॉमन यहाँ मिल चुका है, तो उसके विपरीत 2 के विपरीत सीधे 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3, दोनों एक ही बात हुआ। अब इसको हम छोड़ देंगे ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं है। जब 2 से ही आंसर निकल जाता है तो फिर तीसरे का कोई मतलब नहीं है। 3 या 4 या 5 फिगर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइस फिगर तैयार कर लेते हैं। इस डाइस फिगर में 4, 5, 3, 2, 3, 4, छोड़िए उसको। अब यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन ये है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत यहाँ पूछ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 क्लॉकवाइज। और इसमें हमने बताया था कि हम ये देख पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन है। तो यहाँ कोई भी इसके विपरीत नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक अलग अलग सतह पे 3 दिख रहा है हमें, अलग अलग सतह पे 3 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, ये भी अलग अलग सतह पे दिख रहा है। तो हमें 2 के जब विपरीत 3, 5 एंड 4 लिख देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 के विपरीत 2 के विपरीत 5 हो जाता है। यदि हम 4 एंड 4 के से भी क्लॉकवाइज ले जाते हैं, तो देखेंगे आप 4 से क्लॉकवाइज ले जाते हैं ऐसे, और फिर इस 4 से क्लॉकवाइज ऐसे ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही दशा होगी। इसको अगर हम लिखते हैं तो 4, 3 एंड 5, 4, 3, 5, और यहाँ पे 4, 3 एंड 2, 3 एंड 2 लिखते हैं। यहाँ 5 होगा, तो देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी 2 के विपरीत 5 हो गया है, और यहाँ भी 2 के विपरीत 5 है। ठीक है, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 3, 2। तो दोनों नियम से भी हम इसको यूज कर सकेंगे, दोनों नियम से क्लॉकवाइज ही ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल सतह पे डबल कॉलम है, सॉरी कॉमन है, तो उनको क्लॉकवाइज ले जाएंगे, दोनों में से ले जाएंगे, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं हम। क्वेश्चन है, जैसे 2 डाइस फिगर है यहाँ पे, इस डाइस फिगर में 6, 4, 3, 4, 6 एंड 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डबल जो है ये कॉमन है, समान सतह पे 2 कॉमन है। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से, रूल नंबर 2 के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा,
तो टू आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि थ्री के विपरीत क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और अभी हमको डाइस में ये कॉलम सॉरी बिंदु वाली डाइस, बिंदु बिंदु वाले डाइस ऐसे मिल जाएगी आपको, और इसमें हमको पता करना है कि कौन कौन सा। तो इसमें भी वही नियम लगाए जाते हैं, इसमें कहीं अलग से नियम नहीं होते हैं। जो फाइव रूल हमने लिखवाया है, इन फाइव रूल को अगर आप याद कर लेते हैं तो डाइस एकदम आसानी पूर्वक बिना पेन टच किए भी किया जा सकता है। अभी हमको ओपन डाइस पढ़ना है, अभी हमको ओपन डाइस भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन डाइस एंड कुछ सिंबल वाले डाइस को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं हूँ राजू यादव और आप देख रहे हैं ज्ञान एकेडमी। थैंक यू।